उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के बाबागंज क्षेत्र के रुपईडीहा के गंगापुर में रुपए के विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर लाठी बरसी, बाके व हसिया से भी वार किया गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए, 2 लोगों का सर भी फट गया। सभी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरदा में चल रहा है, जिसमें 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, क्या है मामला? मामला है, हम लोग बैरेज जा रहे थे, रास्ते में रोका, फिर बोला कि उनके उनके जो जिसके जिस पर पिछड़ पच्ची है ना, तो वहाँ उनके गाना गाली दिया। हम लोग बोले कि गाली दोगे तो मार खाओगे, तो बस गाली दिया। इसके बाद गाड़ी पर सब लोग बांका निकाल कर मारने लगे हम लोग। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बांका निकाला, ईंटा निकाला, हम लोग बीच बनाव करने लगे, हमारे बड़े भैया को हमको मारने लगे, साथ में ईंटे से मारा हम लोगों को। आप जख्म दे सकते हैं लोगों को। नहीं, थाने थाने पे तहरीर दिया तुम? हम लोगों गए तो थाने में हम लोगों से पहले से अच्छे से बर्ताव नहीं किया गया, गाली दी गई, गाली से अच्छे किया गया, फिर रिपोर्ट हमने दिया और इसके बाद में हम लोगों को यहाँ भेज दिया गया। और वहाँ पर हमेशा बातों बात पर गाली देते रहते हैं, बात नहीं करते अच्छे से। अखंड भारत न्यूज के लिए मनीष चंद्र आर की रिपोर्ट, बहराइच। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के कलेक्ट्रेट सभागार में किसानों के उत्थान हेतु एक बैठक की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने सरकार उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार किसानों की हर समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए किसानों की हर समस्याओं को संबंधित विभागीय अधिकारी गंभीरता से सुने और समय सीमा के अंतर्गत उनका निराकरण भी सुनिश्चित करे, ताकि उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर इधर उधर भटकना न पड़े। उक्त दिशा निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किसान दिवस में आए किसान भाइयों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करने के दौरान जिलाधिकारी सुश्री यसु रुस्तगी ने दी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के उत्थान हेतु प्रतिबद्ध होने के साथ साथ उनकी आय दोगुना करने के लिए भी कृत संकल्पित है, इसलिए संबंधित विभागीय अधिकारियों का दायित्व बनता है कि वे सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से किसानों को हर हाल में लाभान्वित करें, और ये भी ध्यान रखा जाए कि समय से उन्हें खाद, सिंचाई हेतु पानी एवं कृषि विभाग द्वारा प्रदत्त अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए, ताकि वे अपने खेतों में बेहतर अन्न उत्पन्न कर सके। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि यदि उन्हें कोई समस्या है तो संबंधित विभागीय अधिकारियों को अवगत करवाएं, यदि समय से उनकी शिकायतों का निस्तारण नहीं हो रहा है तो वह सीधे मुझे भी अवगत करा सकते हैं, ताकि उनकी समस्याओं का समय से निस्तारण कराया जा सके। किसान दिवस में गन्ना निरीक्षक द्वारा किसानों के बकाए भुगतान से संबंधित संतोषजनक जवाब न दे पाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें भविष्य में पूरी तैयारी के साथ बैठक में आने की नसीहत दी है। जिला कृषि अधिकारी आरपी राणा ने किसान भाइयों को अवगत कराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के आधार पर जिले के 7,000 किसान लाभान्वित होंगे, लाभान्वित किसानों के खाते में 2,73,00,000 की धनराशि भेजने की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। इस अवसर पर भूमि संरक्षक कृषि अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डिप्टी आरएमओ सहित तमाम किसान बंधु उपस्थित रहे। अखंड भारत न्यूज के लिए दद्दन सिंह की रिपोर्ट, श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच शहर के शंकर होटल के कमरे में विदेशी नागरिक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जांच में पता चला है कि युवक नेपाल राष्ट्र के बांके जनपद के कोहलपुर का निवासी है। अखंड भारत न्यूज के लिए मनीष चंद्र आर की रिपोर्ट, बहराइच। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के 397 ग्राम पंचायतों की सूरत बदलने की ठोस शुरुआत होने वाली है। सभी ग्राम पंचायतों को सृजित, सुजल एवं स्वच्छ गांव बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन द्वारा व्यापक रणनीति बना ली गई है। इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सभी ग्राम प्रधानों व सचिव ग्राम पंचायत को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे दक्ष होकर अपने गाँव को बेहतर ढंग से स्वच्छ बना सके, ताकि लोग स्वच्छता अपना कर स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में रह सके। उक्त जानकारी गत सायंकाल कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वच्छता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी सुश्री यसु रुस्तगी ने दी है। सुजल एवं स्वच्छ गांव के प्रशिक्षण में ग्राम प्रधानों के साथ यह भी रणनीति बनाया जाएगा कि किस प्रकार से गांव को सुजल एवं स्वच्छ गांव बना सकते हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सुजल गांव के तहत ग्राम पंचायत के हर परिवार को नल से जल देने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2024 से पूर्व नल से जल देने की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, समाज कल्याण अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं समिति के सदस्य प्रधानगण उपस्थित रहे। अखंड भारत न्यूज के लिए दत्तन सिंह की रिपोर्ट, श्रावस्ती।